हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समीर, न्यू ग्रेजुएट नगरी में आपको स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक छोटी सी बोतल है, ये है बहुत कमाल की। ये क्या कर सकती है? ये बहुत कमाल कर सकती है। जैसे कि आप काफी भाई हमारे टच ग्लास का काम करते होंगे, इस तरह से टच ग्लास का काम करते होंगे, जो हमारा पोलराइजर वगैरह होता है, इस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं। स्क्रैच पड़ने के बाद हमें पूरा का पूरा पोलराइजर चेंज करना पड़ता है। तो आप पोलराइजर भी बोलते हैं इसको और फिल्म भी बोलते हैं। आप पोलराइजर और फिल्म चेंज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसकी मदद से कोई भी पोलराइजर हो, उसको 99% आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, ये मैं आपको कैमरा पास लेकर आता हूँ और ये मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, इससे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और एक चीज़ और, मेरे भाई सोच रहे होंगे कि आखिर ये मैंने परचेस कहाँ से किया। ये मैंने करोल बाग गफ्फार मार्केट से परचेस किया और ये MK टूल से परचेस किया। ये मैंने लिया था लॉकडाउन से पहले, अराउंड तकरीबन ये था तकरीबन 350 रुपये के अराउंड ये आसपास था। तो आज क्या रेट होगा, आपको करंट प्राइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहाँ जाके करंट प्राइस इसका पता कर सकते हैं। वैसे मैं 350 के अराउंड इसको लेकर आया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। और एक चीज़ और, जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन है वो भी दबा लीजिए, ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको क्या दिखाने वाला हूँ, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ, टच स्क्रीन स्क्रैच रिमूवल लिक्विड। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये जो लिक्विड है ये काफ़ी काम का लिक्विड है। पहले मैंने इसको टेस्ट किया, उसके बाद ही मैं इसके ऊपर वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये क्या कैसे काम करेगा, किस टाइप से काम करेगा, चलिए मैं आपको डिटेल वाइज डिटेल बताता हूँ। सपोज़ मान के चलें, जैसे गिलास उतारते वक्त या फिर उसे उतारते वक्त, जैसे छोटे छोटे गिलास टूटा हुआ होता है, उसके हमारे LCD या पोलराइजर पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं या फिल्म पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो वो इससे बिल्कुल ईजी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं अब आपको डिस्प्ले दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए डिस्प्ले, देखिए डिस्प्ले एकदम आपको क्लीन लग रही है, ये डिस्प्ले उस टाइम क्लीन डिस्प्ले। और आप देख रहे होंगे मेरे पास एक ब्लेड भी है, मैं इस ब्लेड की मदद से इसके ऊपर निशान डालूंगा। निशान डालने के बाद इस लिक्विड की मदद से मैं इसको पूरा का पूरा गायब कर दूंगा। और लिक्विड को कैसे अप्लाई करना है, अगर आप वीडियो पे बने रहेंगे मैं फुल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। अगर आप नहीं देखेंगे और आपने इसको अप्लाई किया, अगर आप फिर बाद में कहेंगे इससे तो स्क्रैच जा ही नहीं रहे, तो मैं तरीका आपको बता देता हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये देख रहे हैं, मैंने इस पर ये देखिए ये 3 स्क्रैच मारे, और मैं आपको वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा ये स्क्रैच। ये देखिए, ये जो स्क्रैच है ये नजर आ रहे होंगे आपको, 3 स्क्रैच इसके अंदर नजर आ रहे हैं, ये रहे 3 स्क्रैच। अब इन इसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है, इसको किस तरह से क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं। पहले हमें इसको गिलास को साफ करना है, उसे लगा लेना है इसके ऊपर साफ करके। और ये जो मैं क्लीन कर रहा हूँ इसको, ये मैं 4S की मदद से यूज़ कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ। मार्केट के अंदर फैलकॉन की डुप्लीकेसी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, इसलिए मैं 4S यूज़ कर रहा हूँ। ये जो 4S है ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर ये भी आप परचेस करना चाहते हैं तो ये आपको MK टूल्स पर ईजीली मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसके ऊपर ये अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद मैं इसको एक्स्ट्रा जो होगा हमारा वो मैं इससे काट दूंगा ब्लेड की मदद से, जो भी मेरा एक्स्ट्रा ओसी है वो मैंने ब्लेड की मदद से काट दिया है। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि उस ट्रिक की मदद से आप इससे एकदम से ये सारे के सारे स्क्रैच गायब कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ इसको अप्लाई करने का तरीका क्या होता है। इसको अप्लाई करने का तरीका होता है, सबसे पहले तो हमें LCD अपनी क्लीन करनी है, पहले इसको नहीं लगाना, ये याद रखना, इसको नहीं लगाना। पहले हमें जितना हो सकता है हमारी LCD में डस्ट वगैरह जो भी है उसको क्लीन कर लेनी है। ये मैं आपको सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ, इसके अंदर डस्ट भी आ सकती है क्योंकि मेरे ऊपर फ़ैन चल रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्या करना है। ये जैसे ही आपने इसको खोला, जो एक्स्ट्रा है हमारा, इस बात का ध्यान रखना, जो ये हमारा एक्स्ट्रा है जो बून टाइप का है, इसको वापस वहीं पर छोड़ देना है। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको वापस वहीं पर छोड़ दिया, और जो हमारी LCD जहाँ पर स्क्रैच था सिर्फ ये हमें वहीं पर अप्लाई करना है, ये रहा इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने इसको वहाँ पे अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरी ओशिया है ये मैं सिर्फ आपको एक सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ, आप सफाई से करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी आपकी फिनिशिंग आएगी। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस LCD को इसके ऊपर रख देना है। इसके बाद ये जो मैंने लगाया है इसको साफ़ नहीं करना, आपको इसको साफ़ नहीं करना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये 3 लाइनें आपको दिख रही होंगी, इसको साफ़ बिल्कुल नहीं करना।
जब इसको आप ऐसे लगा देंगे तो इसको हल्का सा प्रेस कर देना सिर्फ, और कुछ नहीं करना। अब इसको मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं डालने वाला हूँ, सॉरी इसको मैं डालने वाला हूँ 3100 मशीन के अंदर। इसका पहले मुझे ये जो नीचे वाला पत्ता है इसको छुटाना पड़ेगा, नीचे जो ये पत्ता है उसको भी मैं सीधा नहीं करूँगा। और ये मेरे पास AKT 3100 मशीन है, इसको मुझे ओपन कर लेना है। और ये जो ब्लैक मैट है मुझे इसी के ऊपर इसको रखना है। ये देखिए, ब्लैक मैट पे रखने से ये बेनिफिट रहेगा कि वो जो पत्ता है उसको मेरे को सीधा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं टाइमिंग पूरा हो चुका है, अब मुझे उसे निकालना है। अब निकालने के लिए मुझे पहले डोर ओपन करना पड़ेगा, और डोर ओपन करने के बाद ये यहाँ चिपक गई है। एक मिनट मैं इसको छुटा लेता हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पर एक्चुअली चिपक गई थी, मैंने पूरे ग्लास पे OCA लगा दिया था। और इसकी क्या कंडीशन है ये आपके सामने, चलिए मैं इसको अभी साफ़ करता हूँ, और साफ़ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ कपड़े से। ये देखिए, इस पर हल्के फुल्के से बबल हैं अभी, कोई बात नहीं। ये मैं आप ही के सामने इसको साफ़ कर रहा हूँ, और साफ़ करके मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके अंदर वो बबल रहे या नहीं रहे, वो मतलब जो बबल कह रहा हूँ मैं वो। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर वो जो लाइन है वो आपको नहीं दिखेंगी। ये देखिए, चारों तरफ से मैं आपको LCD करके दिखा रहा हूँ, इसके अंदर एक भी लाइन नहीं है, जो मैंने इसके अंदर अभी 3 लाइनें खींची थी। तो फ्रेंड जैसे कि आपने देखा, इस LCD के ऊपर मैंने ये वाला जो ब्लेड होता है सर्जिकल ब्लेड से 3 लाइनें डाली थी स्क्रैचेस की, और स्क्रैच रिमूवर से मैंने स्क्रैच एकदम गायब कर दिए। ये आपको MK Tool से मिल जाएगा। जो भाई इसको परचेस करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक WhatsApp नंबर दिया गया है, वहाँ जाकर आपको पूरी की पूरी क्वायरी मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये अराउंड तकरीबन 350 के आसपास है, मैंने लॉकडाउन से पहले लिया था, मगर मैं वीडियो शूट इसकी आज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जो भाई इस चीज़ से परेशान हो रहे हो, ताकि उनकी परेशानी दूर हो जाए इसलिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जैसे लाने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।